नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आयुष हेल्थ मंत्रा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त आलोक। क्या आप जानते हैं कि जब एक मानव शिशु जन्म लेता है तो उस वक्त उसके ब्रेन में 100 बिलियन एक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं। यही कारण है कि मानव ब्रेन में सीखने की क्षमता अधिक होती है। अगर बच्चों को मल्टी लैंग्वेज परवरिश में रखा जाए तो वो सभी लैंग्वेज लिख पढ़ और बोल सके, इसके साथ कई विद्याओं को सीख सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है, तो इसका सीधा जवाब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर सरल भाषा में बताऊं तो 100 बिलियन न्यूरॉन से बना बच्चे का दिमाग स्पंज की तरह होता है जो सब कुछ सोख लेता है। वहीं विज्ञान की भाषा में समझे तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स मिलकर बिलियंस ऑफ ब्लैंक यानी खाली न्यूरॉन्स के पाथवे बनाते हैं जिन्हें न्यू स्किल सीखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन 13 साल के बाद ये काम करना बंद कर देती है और हमारे ब्रेन में बने न्यूरो पाथवे कम होने लगते हैं। लेकिन क्या 13 साल के बाद हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? क्या 13 साल के बाद हम दिमाग की क्षमताओं को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? दरअसल जब से हम पैदा हुए हैं हमारा ब्रेन लगातार काम कर रहा है। आपका शरीर सोते समय आराम कर भी लेता है लेकिन ब्रेन कभी भी आराम नहीं करता है, वो सोते समय भी सोचता है जिस वजह से आप सपने देख पाते हैं। ब्रेन बहुत सारे काम जैसे सोचना, संख्याओं को याद करना, लिखने के लिए शब्द देना आदि काम करता है। बहुत से काम करने के लिए ब्रेन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कम समय में अधिक काम करने के लिए दिमाग का सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कुछ तरीके जो आपकी ब्रेन पावर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कॉफी एकाग्रता में काफी मदद करती है। इसके अलावा ये ब्रेन में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पहुंचाती है। बॉडी में कैफीन की जरूरत खासकर होती है। एक सीमित मात्रा में कैफीन का सेवन काफी लाभदायक होता है। ड्राई फ्रूट्स, स्टडी के मुताबिक विटामिन ई के सेवन से मेमोरी लॉस की शिकायत से बचा जा सकता है। बादाम, अखरोट में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, इसलिए इसका सेवन रोजाना करना चाहिए। पालक में मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ सीखने की क्षमता बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। इसके अलावा पालक में विटामिन B6, E और फोलेट भी काफी मात्रा में होती है। बता दें, फोलेट स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है। फोलेट की कमी से मेमोरी लॉस और अल्जाइमर की शिकायत होती है। पौष्टिक अनाज, एनर्जी के बिना दिमाग काम नहीं कर सकता। एकाग्रता बढ़ाने के लिए दिमाग में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स को तेज दिमाग के लिए साबुत अनाज का सेवन करना बहुत जरूरी है। ये खाद्य पदार्थ खून में धीरे धीरे ग्लूकोज को भेजते हुए पूरे दिन मानसिक रूप से सचेत रखता है। फिश, बचपन से ही हमने जरूर सुना होगा कि बेटा मछली खाओ तो दिमाग तेज होगा। ये सच है। हफ्ते में एक बार मछली का सेवन काफी फायदेमंद साबित होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बच्चों के दिमाग और आंखों के विकास में लाभदायक होते हैं। फैटी फिश में ओमेगा 3 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और इसे कोल्ड वाटर फिश के नाम से भी जाना जाता है। वाटर, हमारा ब्रेन का 85% भाग पानी से बना हुआ होता है, जिससे ये स्पष्ट है कि पानी की कमी ब्रेन की कोशिकाओं में सिकुड़न पैदा कर सकती है। शोध के मुताबिक पानी की कमी ब्रेन की कोशिकाओं के साथ साथ एकाग्रता और याददाश्त को भी प्रभावित करती है। दिन भर में 6 से 8 ग्लास पानी कम से कम जरूर पीना चाहिए। चॉकलेट्स, दिमाग तेज करने के लिए चॉकलेट्स भी फायदेमंद होती है। डार्क चॉकलेट जिसमें 70% नारियल हो ब्रेन बूस्टर का काम करता है। कोको में फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा सेब, अंगूर, प्याज, चाय, बियर और वाइन में भी फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इनमें कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं। इन्हें पावरफुल ब्रेन प्रोटेक्टर्स के रूप में भी जाना जाता है। ब्रोकली, पत्ता गोभी, ब्रूसली और अंकुरित सब्जियों का सेवन दिमाग के लिए लाभदायक होता है। मिल्क, दूध में विटामिन B6, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है। ये सभी पोषक तत्व याददाश्त बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा मिल्क प्रोटीन स्ट्रेसफुल लोगों के ब्रेन परफॉर्मेंस को सुधारने में भी मदद करता है। ब्लैकबेरी, स्टडीज के मुताबिक ब्लैकबेरी का सेवन मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की शिकायत है तो इसका सेवन जरूर करें। माना जाता है कि ब्लैकबेरी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्रेन सेल्स की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा ये ब्रेन सेल्स के विकास में भी मदद करते हैं। दोस्तों, आयुष हेल्थ मंत्रा के वीडियोस में दी गई जानकारी रिसर्च के आधार पर तैयार की जाती है। आयुष हेल्थ मंत्रा आपसे आग्रह करता है कि इन्हें अपनाने से पूर्व अगर आप किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उचित डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आयुष हेल्थ मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आयुष हेल्थ मंत्रा यूट्यूब चैनल के वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।